प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त तो एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो कहाँ चल रही है सर, हैं? तो अपना जो लास्ट लेक्चर था, वेलोस्टीन प्लेन मिरर्स, न्यूटन्स फॉर्मूला, आप सब ने अच्छे से कर लिया होगा, है ना? अच्छे से उसके नोट्स बना लिए होंगे। चलिए तो आइए, अब अपन क्या करते हैं, जो असाइनमेंट्स आपको दिए थे रिफ्लेक्शन चैप्टर के, एनटीएससी के, उनमें से कुछ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, है ना? देखो आओ मिलके करते हैं। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, देखो 19th क्वेश्चन है इसमें जो आपको असाइनमेंट दिया था मैंने। क्वेश्चन है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ द सेंटर ऑफ ए प्लेन मिरर पी क्यू ऑफ विद डी हैंग वर्टिकली ऑन ए वॉल। ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस 2L, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स। क्या बतानी है? इमेज लाइट सोर्स की। चलो मैं बनाता हूँ सवाल, तब समझना, है ना? देखो देखो भाई, आ जाओ सुनो, क्या क्वेश्चन है देखो महानुभाव, सुनो। ये अपने पास है प्लेन मिरर, ये क्या है एक, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, इधर बनाते हैं। देखो अपने पास जगह की कोई कमी तो है नहीं, है ना? पढ़ते तो हो ना तुम या नहीं पढ़ते हो? ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर की जो लेंथ है वो क्या है, डी। इस प्लेन मिरर की लेंथ क्या है, डी है, है ना? आगे क्या कह रहा है, ये एक पाथ है, ये क्या है, पाथ है, जिस पे एक मैन है वो चल रहा है। यहां पर एक कुक्कू है, कौन है, कुक्कू है जो ऑब्जर्वर है, है ना? चलो भाई, कुक्कू क्या कर रहा है, कुक्कू इधर चल रहा है ना? तो यहां पर क्या रखा हुआ है, इस प्लेन मिरर के सेंटर से, इस प्लेन मिरर के सेंटर से कितनी दूरी पर, एल दूरी पर, कितनी दूरी पर, एल दूरी पर। ये बात है सर, एल दूरी पर क्या रखा हुआ है, एक सोर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक सोर्स रखा हुआ है। एल दूरी पर क्या रखा हुआ है प्राणियों, एक सोर्स। पी क्यू क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है भाई? इतनी बात तो अपने को समझ में आती है, ये तो हम क्वेश्चन से ही देख लेंगे। कितनी लेंथ है टोटल यहां से यहां तक, 2L, ये L है और ये क्या है, 2L है। देखो डायग्राम कंप्लीट हो गया है, क्या बताना है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। देखो भाई अब क्वेश्चन करते हैं, है ना? सुनो, ये अपने पास प्लेन मिरर है, क्या है, ये प्लेन मिरर है जिसकी लेंथ अपने पास डी है, ठीक है, समझ आती बात। इस प्लेन मिरर के सेंटर से, मतलब कि प्लेन मिरर के सेंटर से ऊपर कितनी लेंथ बची, डी बाई टू, और नीचे भी कितनी बची, डी बाई टू, नीचे भी कितनी बची, डी बाई टू, क्लियर है ना? चलो तो इसके सेंटर से एल दूरी पर एक सोर्स रखा हुआ है, लाइट सोर्स। तो मिरर अगर रखा हुआ है तो मिरर में इसकी इमेज बनेगी सोर्स की, है ना? अच्छा, यहां पर कुक्कू है, इस पाथ पर चल रहा है, इस पाथ पर चल रहा है, हालांकि कांटों भरा पाथ है उसका ये, है ना, पर वो चल रहा है ना, निश्चय से चल रहा है, वो इस पाथ पे चल रहा है जो यहां से 2L की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 2L की दूरी पर है। अच्छा, तो कुकू इस सोर्स की जो इमेज है, सोर्स को देखेगा, इस सोर्स की जो इमेज है वो मिरर में बनती हुई देखेगा, है ना? तो क्या बताना है कि कुकू कितनी डिस्टेंस तक इसकी इमेज देख पाएगा, कहां से लेकर कहां तक देख पाएगा, मतलब कि अपने को क्या बताना है, फील्ड ऑफ व्यू। क्या बताना है, फील्ड ऑफ व्यू। बात चमकी, पल्ले पड़ी, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्या बताना है, फील्ड ऑफ व्यू। क्या बताया था, इमेज का बनना, इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता, बट फील्ड ऑफ व्यू, इमेज का दिखना, लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। सर ये बात तो आपने बताई थी, पर याद कौन रखे। अच्छा, अब ये दूरी क्या है, डी है, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना? ठीक है भाई, शाबाश। इससे ऊपर भी कितनी लेंथ बची है अपनी, ये वाली लेंथ क्या है, डी बाई टू, और ये नीचे भी मिरर कितनी लेंथ का बच गया, डी बाई टू बच गया। अब कुक्कू क्या करेगा, इसकी इमेज देखेगा मिरर में, इमेज तो तब देखेगा जब इमेज बनेगी, है ना? तो इमेज बनाने का प्लेन मिरर से
इमेज फॉर्मेशन का जो तरीका है प्यारे बच्चों, वो मैंने आपको बता रखा है क्या होगा। क्या बताया था स्टेप वन? स्टेप वन क्या बताया था? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन द मिरर फ्रॉम द सोर्स। ड्रॉ कर दिया, जितना सोर्स आगे है उतनी ही पीछे इमेज बनेगी। सोर्स कितना आगे है? एल आगे है, तो एल ही पीछे क्या बन जाएगी? अपनी इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज। बोलो पक्की बात है, एकदम समझ आ गया? सोच लो, है ना, एल ही पीछे क्या बनेगी? अपनी इमेज बनेगी। अच्छा सर, एल पीछे इमेज तो बन गई, या आपने बताया था अपने को बात चमकती है इतनी, तो है ना। तो अपने पास अब कैसे करेंगे? सोर्स से लाइट इंसिडेंट, ये इमेज कैसे बनी होगी? देखो, सोर्स से कोई लाइट गई होगी मिरर पे, यहां पर इंसिडेंट हुई होगी, है ना, तो मिरर पे ऐसे इंसिडेंट हुई होगी, तो मिरर पे ये क्या आ गया होगा? नॉर्मल भी आ गया होगा। आगे तक ही बढ़ा देते हैं, क्या समस्या है, है ना। तो यहां से रिफ्लेक्ट होके लाइट ऐसे गई होगी, है ना, एक रे सोर्स से इधर आई होगी। घबराना मत बिल्कुल भी, है ना, इंसिडेंट रे ये है, तो ये अपने पास क्या आया होगा? नॉर्मल आया होगा, है ना। हाँ सर, नॉर्मल आया होगा। यहां से लाइट जाके रिफ्लेक्ट हुई होगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो अपने पास है, ये क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। क्या है ये? फील्ड ऑफ व्यू, जो अपने को बताना है, जो अपने को बताना है। अच्छा, यहां से यहां तक तो मिरर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस तो क्या है? डी है। ये वाली डिस्टेंस तो क्या है? डी है। अच्छा, यहां से अगर मैं इस मिड पॉइंट को आगे बढ़ा दूं, तो ये क्या बचेगा? डी बाई टू बचेगा। ये भी क्या बचेगा? डी बाई टू बचेगा। तो कहने का मतलब कि टोटल फील्ड ऑफ व्यू बताना है कितना होगा। इस दूरी को अगर अपन मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x। तो सर, हमें इतनी बात तो समझ आती है कि ये वाली जो दूरी होगी, ये भी क्या होगी? x होगी, क्योंकि ऊपर भी मिरर आधा, नीचे भी मिरर आधा, सोर्स भी सिमेट्रिकल रखा हुआ है, तो ऊपर x तो नीचे x, ऊपर x तो नीचे x। तो सर, जो टोटल फील्ड ऑफ व्यू आएगा वो क्या आएगा? x प्लस डी प्लस एक्स, एक्स प्लस डी प्लस एक्स, यानी कि 2x प्लस डी। ये बात समझ में आ गई, है ना। अब इस रे को अगर मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो यहां से आती हुई दिखेगी, इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो यहां से आती हुई दिखेगी, है ना। अब अपने पास ये जो ड्राइंग वगैरह थी, ये सारी अपन कर चुके हैं। अब ये सिंपल किसका क्वेश्चन है? मैथ से हो जाएगा, सिमेट्री से क्या आ जाएगा अपने पास? देखो, सिमिलर ट्रायंगल से देखो, देखो भाई, मेरे लाल, मेरे पीले, नीले, रेनबो सारे देखो भाई, आ जाओ, सुनो, ट्रायंगल्स देखो। ये अपने पास मान लेते हैं ए पॉइंट, क्या मान लिया? ए पॉइंट। ये अपन ने मान लिया सी पॉइंट, क्या मान लिया? सी पॉइंट, है ना। ये अपन ने मान लिया, क्या माने सर? बी पॉइंट मान लेते हैं, धर्म संकट में पड़ने की क्या जरूरत है, देखो भाई, है ना, ठीक है। चलो देखो, सुनो, ट्रायंगल ये वाली एक तो आई पी बी, ठीक है, ट्रायंगल आई पी बी, एंड और कौन सी ट्रायंगल? आई ए सी, एंड ट्रायंगल आई ए सी आर सिमिलर, आर सिमिलर। ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है भाई, वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिमिलर है, आर सिमिलर। तो अपन क्या लिख सकते हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स है तो अपन लिख सकते हैं, क्या कार्रवाई कर सकते हैं यहां से? देखो, अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? साइड पी बी, ध्यान से देखना, साइड पी बी अपॉन साइड ए सी इक्वल हो जाएगा किसके? साइड आई बी अपॉन आई सी, अपॉन आई सी। तो देखो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आएगा अपने पास? पी बी, पी बी कितना है? डी बाई टू। कितना है? डी बाई टू अपॉन ए सी। ए सी क्या है? यहां से यहां तक कितना है? एक्स प्लस डी बाई टू। तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस डी बाई टू इक्वल टू आई बी। आई बी कितना है? एल। कितना है? एल। कितना है? एल। बात चमकी एकदम? आई सी, आई से लेकर सी तक कितना है? एल, और ये
2L, तो L प्लस 2L क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3L। बात समझ में तो आ रही है ना तुम्हारे, है ना। L ने L को मार दिया तो अपने पास क्या आया उसको देखो, इसको LCM करते हैं। कौन सी खास बात है, देखो D by 2 नीचे 2 LCM आ जाएगा, 2X plus D equal to 1/3, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। तो यहां पे कर दो थोड़ा सोल्व, है ना, कोई नहीं, यहां कर दो। सर क्या समस्या है, कहीं कर दो, जहां आपका मन करे वहां कर दो, है ना। D by 2X plus D equal to 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3D इक्वल टू 2X प्लस D, तो 2X इक्वल टू क्या आ गया 2D, 2 ने 2 को मार दिया, तो X इक्वल टू क्या आ गया D, X इक्वल टू क्या आ गया D आ गया, तो X इक्वल टू D आ गया। तो फील्ड ऑफ व्यू तो अब हम खुद निकाल लेंगे सर। अरे खुद क्या निकालोगे, करा तो दिया। फील्ड ऑफ व्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 2X प्लस D, तो 2x, x क्या है d के इक्वल है, प्लस d, तो 2d प्लस d क्या आ जाएगा 3d, क्या आ जाएगा 3d, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या सीधी ऊपर से गई, समझ में आई ना एकदम, ठीक है। तो कौन सी इसमें खास बात है, सिंपल सी बात है, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का जो तरीका है उस पाथ पे चलो अपना, है ना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, भटक गए तो सवाल भी भटक जाएगा, ठीक है। चलो भाई स्क्रीन पॉज करो और इसको अच्छे से नोट करो, आ जाओ भाई, शाबाश, हो गया नोट। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने असाइनमेंट से। एक क्वेश्चन और है देखो रिफ्लेक्शन का, 20th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखो करने में मजा आ जाएगा, दिमाग खुल जाएगा आपका, है ना। सुनो भाई शाबाश, कॉपी पेन लेकर के बैठना, हाथ में बिना कॉपी पेन के मत करना इनको, ठीक है ना। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना मस्ट है। देखो सुनो भाई, ये अपने पास एक मिरर है, कभी सर हम तो स्टाइल मारने के लिए खोल के बैठ गए थे, है ना, कॉपी पेन लेकर के बैठना। सुनो भाई, ये दो प्लेन मिरर है अपने पास, इनके बीच में सेपरेशन क्या गिवन है, 0.2 मीटर गिवन है। कितना गिवन है, 0.2 मीटर गिवन है। ये मिरर है ए, ये मिरर बता रहा है कौन सा है, बी है। तो उसमें कौन सी खास बात है, क्या कह रहा है कि एक रे आ रही है, इंसिडेंट हुई यहां पर, कितने एंगल पे हुई, 30 डिग्री पे हुई, कितने एंगल पे हुई, 30 डिग्री पे हुई, है ना। आगे क्या कह रहा है, ये जो मिरर है इनकी जो लेंथ है वो क्या कह रहा है, 2√3 मीटर है। कितनी है, 2√3 मीटर है, ठीक है भाई शाबाश। इतनी बात अपने को समझ में आती है, मिरर है, मिरर भी 2√3 मीटर लेंथ है मिरर की, 30 डिग्री, 0.2 मीटर, है ना। अब मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ, देखो, टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर अलाइन पैरेलल टू ईच अदर, लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड वन ऑफ द मिरर, द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट कोइंसाइड, क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रे अंडरगो रिफ्लेक्शन बिफोर इट इमर्जेज, क्या कह रहा है, सुनो सुनो समझो, देखो आ जाओ ना, धोके बैठा करो रे, सुनो देखो, रे यहां पर इंसिडेंट हुई, ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एक कैसा पाथ लेगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, ऐसे जाएगी, छुक 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 ऐसे जाएगी और फाइनली बाहर आ जाएगी। तो क्या कह रहा है कि यहां से बाहर निकलने से पहले इस मिरर ने इसके अंदर कि इस रे ऑफ लाइट ने मिरर्स पे कितने रिफ्लेक्शन किए, है ना। तो सर गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5 रिफ्लेक्शन किए, ऐसे थोड़ी ना 5 रिफ्लेक्शन किए, ये 5 तो हमने ड्रॉ किए हैं सिंपली आपको बताने के लिए, कितने रिफ्लेक्शन किए वो तो अपन काउंट करेंगे, फॉर्मूले से आएगा। देखो मिलके करते हैं, कितने रिफ्लेक्शन किए, आ जाओ, है ना, थोड़ा मैथ्स पे भी ध्यान दिया करो, ये आ जाएंगे समझ में, आ जाएंगे वहीं से देखो थोड़ा, है ना। सुनो, ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या आ गया बच्चों, नॉर्मल आ गया, ठीक है। कितना एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है सर, आपने बताया था क्लास में कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आती है अपने को,
और ये 30 डिग्री है तो सर ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ और इसको मैं D मान लेता हूँ। तो सर ट्रायंगल बन गई अपने पास प्यारी सी OCD, कौन सी बन गई OCD है ना OCD। तो अगर बच्चों ट्रायंगल OCD में आप देखोगे अपने को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है भाई, ये तो अपने को पता है 0.2 मीटर गिवन है, ये साइड तो गिवन है 0.2 मीटर गिवन है, अपने को ये CD साइड निकालनी है। अच्छा सर CD साइड अपने को निकालनी है यानी कि परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, वो फॉर्मूला आपको पता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये क्या आ जाएगा टेन थीटा, क्या आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा आ जाएगा। थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। तो ओ सी डी ट्राइंगल, थोड़ा मैथ कर लेते हैं, आ जाओ इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा सी डी, क्या होगा सी डी अपॉन बेस, बेस क्या है ओ सी, क्या है ओ सी, तो जो सी डी आएगा वो क्या आ जाएगा ओ सी इंटू टेन थर्टी, ओ सी इंटू टेन थर्टी। तो ओ सी क्या आएगा बच्चों 0.2 मीटर, कितना है 0.2 मीटर। 10 30 क्या वैल्यू होती, क्या वैल्यू होती बताओ, 1/√3, इतनी सी बात है बस, है ना। अब देखो एक रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन में कितनी लेंथ अपन चल चुके 0.2/√3 मीटर, 0.2/√3 मीटर। अच्छा सवाल है, हालांकि जेई का सवाल है लेकिन एनटीएससी में भी ऐसे ही सवाल आते हैं, इसीलिए अपन ऐसे ही सवाल करेंगे, हल्के सवाल नहीं कर रहे हैं ना। देखो एक रिफ्लेक्शन में कितना चला 0.2/√3, टोटल दूरी क्या है 2√3 मीटर, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट कर देते हैं एन से, वो क्या आ जाएंगे टोटल लेंथ मिरर की 2√3, किससे डिवाइड कर देंगे, एक रिफ्लेक्शन में कितनी दूरी चला 0.2/√3, तो 0.2/√3, रूट थ्री नीचे से पलटी मार के ऊपर चला जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 × √3 √3 बन जाएगा अपॉन 0.2 को मैं लिख सकता हूं 2 × 10⁻¹1, तो 2 × 3 = 6 अपॉन 2 × 10⁻¹1, ऊपर जाके 10⁻±1, तो 2 ने 6 को कैंसिल किया 3 आया, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 3 × 10 क्या हो गए 30, क्या हो गए 30, है ना। तो बच्चों अच्छे सवाल हैं ये, हल्के सवाल नहीं है, एक बार अगर करने से समझ में ना आए तो दोबारा करना, 5 बार करना, है ना, समझ में आएंगे, ऐसे ही सवाल आते हैं अपने पास एनटीएससी में, हल्के सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 30 आ जाएंगे, ठीक है। शाबाश, स्क्रीन को पोज करो और इसके बहुत बेहतरीन नोट्स बनाओ, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना साथ में, तो अच्छे से इसके नोट्स बनाओ उनमें, है ना। आ जाओ बच्चों, कर लिया नोट, बिल्कुल पक्का ना, समझ में आ गया ना, एक दो बार और फिर से देखोगे ना तो समझ में आएंगे, टफ सवाल है लेकिन समझ में आएंगे ना। उसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं, आ जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फिर से, है ना। देखो दो मिरर हैं, कितने मिरर हैं, दो मिरर हैं, प्लेन मिरर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, इनकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर लेंथ है। क्या हुआ, ये मिरर पहला है, ये मिरर दूसरा है, यहां से लाइट आई, यहां पे इंसिडेंट हुई, क्या बोल देंगे इंसिडेंट रे, तो ये क्या आ जाएगा नॉर्मल, कितनी एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे, कितने एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे। तो वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बिफोर द लाइट इमर्जेस फ्रॉम द अदर एंड, यहां से निकलने से पहले क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसमें क्या खास बात है सर, पीछे वाला है सेम सवाल है ना। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री ही होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं बी, तो क्या आ जाएगा नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे हराम खोरों, देखो क्या आएगा, सुनो, हराम खोर तो नहीं हो ना तुम, देखो सुनो,
ट्राइंगल ओ ए बी क्या आ जाएगा इसमें, अपने को ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी क्या आ जाएगा 10। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है ना, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस आता होगा, मैं समझ रहा हूं तुम्हें। थीटा क्या आ जाएगा 45 डिग्री, पर मेरा धर्म है एक बार फिर से लिखना इसको। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों इसमें, ए बी क्या है, ए बी, बेस कितना है ओ ए, ओ ए, तो अपने पास ए बी इक्वल टू क्या आ गया, ओ ए इंटू 10 45 डिग्री। अच्छा ओ ए कितना है, क्या कह रहा है कि ये जो सेपरेशन है दो मिरर्स के बीच में ये क्या है 1 सेंटीमीटर है, क्या है 1 सेंटीमीटर। जैसे पीछे वाले सवाल में क्या था 0.2 था, तो अपने पास AB इक्वल टू क्या आ जाएगा OA, OA यहां से यहां तक कितना है 1 सेंटीमीटर। 1045 क्या होता है बोलो, बोलो नहीं आता, आता है क्या होता है बताओ 1, तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में एक रिफ्लेक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस अगर बताने हैं तो n क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल लेंथ कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है ना, तो टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है मिरर की, टोटल लेंथ पक्का, अपॉन एक रिफ्लेक्शन में कितना चला 1 सेंटीमीटर, तो 1, तो सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, तो टोटल रिफ्लेक्शंस क्या आ गए 100 आ गए, क्या आ गए 100 आ गए। दिमाग में बात घुस गई एकदम से ना, अच्छी बात है ठीक है ना, तो अच्छे से ना कॉपी पेन निकाल लो और इसको ना नोट कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, जो वेलोसिटी वाला आपको सवाल दिया था ना, वेलोसिटी प्लेन मिरर मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उसी में से एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है क्या क्वेश्चन है सुनो। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में टॉपिक, अगर वो टॉपिक वो लेक्चर आपने नहीं देखा है सुना है तो वहां पे जाइए पहले उसको सुनिए और उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, नहीं तो ये सीधा ऊपर से जाएगा है ना, तो उसको समझिए पहले, उस टॉपिक को देखिए तभी इस क्वेश्चन पर आइए है ना, नहीं तो अगर आपने उसको सुनने की आपके अंदर कोई इच्छा नहीं आई है ऐसी, तो ये क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं, नहीं होगा है ना। सुनो, ए प्लेन मिरर इज माउंटेड ऑन ए ट्रॉली, प्लेन मिरर इज माउंटेड ऑन ए ट्रॉली, क्या कह रहा है ये अपने पास क्या है, अपने पास ट्रॉली है, क्या है ट्रॉली है, अरे ठेला बना दिया ये तो, ये ट्रॉली है, ये क्या है अपने पास है? ट्रॉली है ना, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ए प्लेन मिरर इज माउंटेड ऑन ए ट्रॉली एंड मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर लीनियरली विद ए वेलोसिटी ऑफ वी, ऐसे मिरर रखा हुआ है, कैसे ऐसे है ना, ये अपने पास क्या है ट्रॉली, क्या है इसको यहां पे लिखते हैं, यह है महिंद्रा की ट्रॉली, कौन सी ट्रॉली है महिंद्रा की ट्रॉली है ना। ए प्लेन मिरर इज माउंटेड ऑन ए ट्रॉली एंड मूव्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर लीनियरली विद ए वेलोसिटी ऑफ v किलोमीटर पर आवर, ट्रॉली किस स्पीड से चल रही है v किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से चल रही है v किलोमीटर पर आवर, यहां पे अपना एक कुक्कू खड़ा हुआ है, कौन खड़ा है कुक्कू, जो क्या है ऑब्जर्वर है, क्या है जो ऑब्जर्वर है, सबको पता है हम ऑब्जर्वर कुक्कू को ही मानते हैं है ना। सुनो, इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर सीम्स टू मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, क्या बताना है स्पीड इमेज की बतानी, अरे बहुत आसान सवाल है, कराया था ना लास्ट वाला लेक्चर देखना जाके, ये अपने पास मिरर है ये भी चलने लग जाए, ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, बताओ इमेज की स्पीड क्या होगी है ना, तो अपने को इसकी इमेज की स्पीड बतानी, ये ऑब्जर्वर है ये मिरर है, तो मिरर भाग रहा है, ट्रॉली से कोई लेना देना नहीं है, मान लो मिरर भाग रहा है, मिरर की स्पीड है वी आर है ना, मिरर की स्पीड क्या है वी है, तो इस कुक्कू की इमेज इसमें बनेगी ठीक है, तो इमेज जो बनेगी वो भी दौड़ेगी, तो स्पीड ऑफ इमेज अपने को बतानी है, सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, स्पीड ऑफ इमेज क्या बता रखी है 2 times स्पीड ऑफ मिरर माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2 times स्पीड ऑफ मिरर कितना है राइट में चल रहा है तो प्लस वी, क्या है वी, वी है, माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, कुकू अपना रेस्ट पे है तो माइनस जीरो, तो स्पीड इमेज की क्या आ जाएगी 2v किलोमीटर पर आवर, 2v किलोमीटर पर आवर, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 2v किलोमीटर पर
आवर, ठीक है, शाबाश भाई, है ना, बिल्कुल ना। स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट करो। अच्छा बच्चों, ठीक है, इसमें जो टफ टफ क्वेश्चन थे ये हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अपना रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन बस दी एंड कर देते हैं, अब कितना पढ़ेंगे इसको, है ना, ट्वेल्थ में भी पढ़ना है फिर से, तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है सुनो, हम तो सर हमेशा ही घर पे रहते हैं, होमवर्क क्वेश्चन क्या है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भावनाओं की कदर करो तुम, है ना। सुनो, देखो क्या क्वेश्चन है, सुनो बच्चों, टू गेट फाइव इमेजेस, टू गेट फाइव इमेजेस ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट, ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, वन शुड हैव टू प्लेन मिरर्स, वन शुड हैव टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ, ऑप्शंस हैं 30 degree, 60 degree, 90 degree या लास्ट है 120 degree, ठीक है भाई। टू गेट फाइव इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एसिमेट्रिकली, वन शुड हैव टू प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 30, 60, 90 या 120 degree, ठीक है। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करेंगे और जो आंसर होगा, देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन को सारे बच्चे करेंगे और जो आंसर आएगा उसको नीचे कमेंट में बताएंगे कि सर ये आंसर होगा, ठीक है, सभी को आंसर बताना है नीचे कमेंट में, इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो तब तक अगले टाइम के लिए थैंक यू।